नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद YouTube चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी मित्रगणों का दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है शीघ्र ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। हमारा आज का विषय है चेहरे के दाग धब्बे निशान छाइयां किस प्रकार सरल घरेलू तरीके से दूर की जा सके। काले दाग धब्बे और किसी तरह के निशान चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। चेहरे पर मुहासे निकलना दाग धब्बे और गड्ढे पड़ने का प्रमुख कारण होता है। काले दाग मिटाने के उपाय के लिए कोई क्रीम का उपयोग करता है, कोई दाग का इलाज की दवा लगाता है। दाग हटाने के लिए हम दवा क्रीम के तरीके से इलाज करके मुहासों को तो ठीक कर लेते हैं पर कई बार मुहासों के दाग रह जाते हैं। हमारा आज का विषय यही है कि चेहरे से किस प्रकार दाग धब्बे हटाए जाएं। मुहासों के अलावा फुंसी निकलने चोट की वजह से भी चेहरे पर निशान रह जाते हैं। कुछ लोग दाग और धब्बों से छुटकारा पाने के लिए केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो कई बार स्किन पर साइड इफेक्ट कर जाते हैं जिससे हमारी समस्या कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू आसान नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो प्रयोग करके आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं, निशान धब्बे छाइयां चेहरे से हटा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लेप बताने जा रहा हूँ जो घरेलू है और बहुत शीघ्र ही हमारे चेहरे के निशानों को गायब कर देता है। थोड़ा एलोवेरा जेल ले लीजिए, नींबू का रस, हल्दी और थोड़ा बेकिंग सोडा उसमें मिलाकर एक लेप तैयार कर लीजिए। ये लेप दाग पर लगाइए, कुछ ही हफ्तों में निशान गायब हो जाएंगे। काले दाग मिटाने का एक बहुत ही बेहतरीन आसान उपाय है नींबू का रस, हल्दी और शहद। इन तीनों को मिलाकर एक लेप बना लीजिए, निशान और छाइयां दाग धब्बों पे इनको लगाइए और कुछ ही हफ्तों में इनसे छुटकारा पाइए। अगर दाग गहरे हो और दूर से देखने पर भी चेहरे पर काली छाया दिखती है तो ऐसे दाग हटाने के लिए एक से दो बूंद ग्लिसरीन, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा शहद मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें और दाग धब्बों पर ये लगाकर कुछ देर हल्की मालिश कीजिए और 30 मिनट बाद चेहरे को धो लीजिए। इस उपाय को सही तरीके और नियमित सेवन करने से जटिल दाग भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। दोस्तों, एक और बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संतरे के ताजा छिलके पीसकर उनमें शहद मिलाइए और दाग पर लगाइए। संतरे के छिलके से भी काले दाग का इलाज आसानी से घर पर कर सकते हैं। गहरे से गहरा दाग भी इस उपाय से साफ होने लगेगा। चंदन पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल डालें और इसका उबटन बना लें। इस उबटन को चेहरे पर लगाएं, 40 से 50 मिनट तक सूखने दें, उसके बाद चेहरा धो लें। ये घरेलू तरीका नियमित रूप से करने से चेहरे पर निखार आता है और दाग धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। जिन लोगों के मुहासे ठीक होने के बाद चेहरे पर निशान रह गए हैं उनके लिए बहुत ही आसान एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। वह प्रयोग है दूध का इस्तेमाल। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी चाहिए और उसका लेप उन निशानों पे कीजिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा तेलीय है, ऑयली है, तो हल्दी के साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी उसमें मिला लीजिए। इन तीनों को दाग धब्बों पर नियमित रूप से लगाएं, धीरे धीरे ये निशान हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दूध का और एक बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, कच्चे दूध में इसे मिलाएं और उसे दाग पर लगाएं। दाग तो मिटेगा ही, साथ साथ आपकी त्वचा पर भी निखार आने लगेगा। दही में थोड़ी हल्दी मिलाकर एक घरेलू फेस पैक बना लें और नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से त्वचा का रंग साफ होता है
और निशान मिटने लगता है। दही चावल का आटा और बेसन मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं, इससे भी चेहरे पर ग्लो आने लगता है और निशान मिटते हैं। एक अन्य प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, अनानास के छिलके को पीस कर उसका रस निकाल कर उस रस को चेहरे के दाग धब्बों पर लगाने से वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते, चेहरे को बहुत ही सुंदर कोमल और दाग रहित बनाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल कीजिए। कच्चे पपीते में त्वचा को कोमल बनाने और दाग मिटाने के गुण मौजूद हैं। कच्चे पपीते को चेहरे पर निशान की जगह पर आप लगा सकते हैं और निश्चित ही उसका फर्क आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, चेहरे के बारे में एक मैं सामान्य बात आपसे और साझा करना चाहूँगा। चेहरा हमारे मन का आईना होता है। जैसे हमारे मन के भाव होते हैं वैसा चेहरा दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसके चेहरे से हमें खुशी के भाव दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके चेहरे पर दुख के भाव हम आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ, अधिक से अधिक खुश रहने का प्रयास कीजिए, खुशियों को बांटिए, खुशियों को एक दूसरे से साझा कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत, जय आयुर्वेद।